हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो के उमवी खानदान के चश्मो चराग थे, लेकिन उनका मिजाज सबसे हटके था, अनोखा और निराला था। सुलेमान ने सारी जिंदगी तख्तो ताज की बसर करने के बाद सोचा कि मैं इनको अपना नायब बनाऊं। तो खैर, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग दिमश्क की जामे मस्जिद में जमा हुए और वसीयतनामा पढ़ा गया। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हुए, फरमाया, लोगों, ना तो मेरी मंशा थी कि मुझे खलीफा बनाया जाए और ना मुझे इस बात का इल्म था। ये मेरी मंशा और आप लोगों की मुशावरत के बगैर किया गया, मैं इससे दस्तबरदार होता हूं, आप जिसको चाहें अपना खलीफा मुकर्रर करें। तो लोगों ने कहा, आप ही हमारे अमीर हैं, आप ही हमारे खलीफा हैं। तो आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह की अतात करता रहूं तब तक तुम्हारा खलीफा रहूंगा। और फिर आपने हुक्मनामा जारी किया कि मेरी जितनी जायदाद है सारी बैतुल माल में जमा करवाई जाए, और जितने भी उमवी शहजादे थे उनकी जायदादें थी जो लोगों के जब्त की हुई थी, सबको भक्के सरकार जब्त करने का हुक्मनामा जारी किया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हो के 2 साल 5 माह और चंद दिनों के अंदर ऐसा अदल फैलता है कि लोग कहते हैं हमें लगता था आसमान और जमीन के दरमियान तराजू गाड़ दिया गया है, हर शय पूरी पूरी तोली जा रही है। और इतनी खुशहाली आती है, इतनी खुशहाली आती है, लोग जकात के पैसे लेके निकलते हैं, कोई जकात लेने वाला नहीं मिलता। एक इलाके के लोग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते हैं कि हजरत जकात का क्या करें, फरमाया गरीबों को दे, कहा कोई गरीब रहा ही नहीं। तो कहा कि अच्छा, आप इस तरह करें कि जिनकी शादियां नहीं हुई उनका मेहर अदा करके शादियां करवा दें। तो वो जवाब में लिखता है, यह भी हो चुका। तो कहा लोगों को कर्जा दे दें, कहा किसी को कर्जे की जरूरत ही नहीं। तो फिर फरमाते हैं, अच्छा, गैर मुस्लिमों को कर्जा दें ताकि वो खेती बाड़ी करके जरात के काम को बढ़ाएं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, अदल फैला, नूर फैला, रोशनी फैली, शहजादगी की जिंदगी से एकदम अपने आप को एक छोटे से कुटिया के अंदर महदूद कर लिया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हो मुसलमानों के नामवर खलीफा है, और उनको उनके अदल, उनके इंसाफ, उनकी सादगी और उनकी जिंदगी के इस खूबसूरत तर्स की वजह से उमर सानी कहा जाता है। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो को अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ते की तलाश थी कि कोई साले खातून मुयसर आए और मैं अपने बेटे आसिम का उससे निकाह कर। और आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो परवान चढ़ रहे थे, जवानी की दहलीज पर थे। आप जानते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो का दौरे खिलाफत अदल व इंसाफ पर मुश्तमिल था, और वो खुद रात को गश्त किया करते थे और देखते थे कि किसी घर में मुफलसी का मातम ना हो, कोई किसी पे जुल्म जबर और जोर और ज्यादती ना कर रहा हो, अदल व इंसाफ कायम हो, लोगों का ख्याल रखते, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। तो एक घर के करीब से गुजरे, सहर का वक्त था, तो बेटी को उसकी माँ कह रही थी कि दूध में पानी शामिल कर लो। तो बेटी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मना कर रखा है कि ये धोखा दही है। तो माँ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब देख रहे हैं। तो बेटी बोली, उमर नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने जब इस बात को सुना, कदम रुक गए, घर पर कोई निशान लगाया, और सुबह अपने बेटे के रिश्ते के लिए उस बेटी को पैगाम भेज दिया। उसकी माँ को पैगाम भेजा कि मेरे बेटे आसिम के लिए इस बेटी का रिश्ता चाहिए। और आसिम हजरत उमर का फर्जंद उस खातून से निकाह की बंधन में बंध जाता है, और अल्लाह जल्ला शानहू इन दोनों से एक बेटी अता करते हैं जिनका नाम लैला है, लैला बिनते आसिम। लैला बिनते आसिम का निकाह होता है अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम से। अब अब्दुल अजीज
और लैला बिनत आसम, मरवान का बेटा और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की पोती का आपस में निकाह होता है और इन दोनों से एक बेटा पैदा होता है जिसको दुनिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। माँ हजरत लैला बिनत आसम है और बाप अब्दुल अजीज बिन मरवान। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हो इल्म दोस्त थे, मुत्तकी और परहेजगार थे। उनके अपने उस्ताद का बयान है कि मैंने जिंदगी में इतना साले शख्स, अल्लाह से डरने वाला शख्स नहीं देखा। अल्लाह ताला जल्ला शानहु का खौफ, उसकी खशियत, उसका डर जो उनके सीने में मौजूद है, मैंने ऐसा खौफ और ऐसी खशियत किसी शागिर्द में नहीं देखी थी। बड़े शौक से, इश्तियाक से इल्मे दीन हासिल करते हैं और आप जानते हैं कि खिलाफत राशिदा के बाद सल्तनत का निजाम बनू उमैया ने संभाल लिया और जुम्मेदारियां इन्होंने संभाली और बनू उमैया की भी दो शाखें हैं। पहले ये बात समझ लीजिएगा कि कुरैश के दो बड़े कबीले थे, बनू हाशम और बनू उमैया। अब ये कुरैश की दोनों शाखें और उमैया के एक बेटे का नाम हरब था, जिनके बेटे अबू सुफियान हैं और उनके बेटे आगे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और उमैया के दूसरे बेटे का नाम जो है वो अबुल आस है, जिनका बेटा हकम है और उनका बेटा फिर मरवान है। मरवान के दो बेटे अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज। अब्दुल मलिक भी बादशाह बना और उसके चार बेटे भी हुक्मरान बने और अब्दुल मलिक का भतीजा अब्दुल अजीज का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज भी सलमान बिन अब्दुल मलिक के बाद जो है वो हुक्मरानी की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। तो अब यूं समझ लीजिएगा कि कुरैश की दो शाखें हैं, बनू उमैया और बनू हाशिम, और बनू उमैया की फिर दो शाखें हैं। एक तो उमैया के बेटे हरब से और एक अबुल आस से। तो हरब के बेटे अबू सुफियान हैं, अबू सुफियान से हजरत अमीर मुआविया हैं और फिर उनका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ और यजीद के बाद फिर उनका बेटा मुआविया और फिर उसका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ। तो बनू मुआविया की सल्तनत यहां इख्तिताम को पहुंचती है। अब इस दूसरी शाख से मरवान हुक्मरान बनता है और मरवान का बेटा फिर अब्दुल मलिक हुक्मरान बनता है। ये बनू उमैया की ही दूसरी शाख है जो फिर इस जगह को संभालती है। अब्दुल मलिक के बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक तख्त पे विराजमान होता है। उसके इंतकाल के बाद फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन होता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब इख्तिताम की जिंदगी के मराहल तय कर रहा था और उसने जान लिया कि अब मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, तो उसने एक वसीयतनामा लिखा। उस वसीयतनामे के अंदर मुतायन और मुकर्रर किया खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला जो उनका चचाजाद भाई था, उसके अपने भाई हशाम बिन अब्दुल मलिक और यजीद बिन अब्दुल मलिक, ये बाद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल के बाद तख्त खिलाफत पर बैठते, लेकिन दो उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक का एक बेटा और वलीद बिन अब्दुल मलिक, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हो से पहले तख्त खिलाफत पे विराजमान हुए। तो ये दरमियान में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का 2 साल 5 माह और कुछ दिन का दौर आता है। अब अदल व इंसाफ और इस्लामी तर्ज हुकूमत का वो अंदाज जो खुलफाए राशिदीन ने दिया था वो मफकूद हो चुका था। अब जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत की जिम्मेदारियां आयद कर दी गई और एक खत लिखा उन्होंने और सर बमोहर था
और कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो उसके बाद ये लोगों को जमा करके खत पढ़ा जाए, और मेरी ये वसीयत है कि मेरे बाद मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे चचा का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होगा। क्योंकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तजुर्बा सबको था कि वो आदिल है। मदीनतुल मुनव्वरा के एक अरसा गवर्नर रहे, और जब उनको गवर्नरी पेश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले हुक्मरानों की तरह गवर्नरों की तरह जुल्म और तादी से काम नहीं लूंगा, मैं इंसाफ से काम लूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं गवर्नरी कबूल करने को तैयार। उन्होंने कहा बिल्कुल हमें कबूल है, चाहे एक पाई भी खजाने में ना आए, आप अदल इंसाफ करें। तो आप मदीनतुल मुनव्वरा में गए, 30 ऊंटों पर आपका सामान लद करके गया, इतने अमीर थे। और आपकी जो अहलिया थी वो अब्दुल मलिक की बेटी थी, फातिमा बिनत अब्दुल मलिक। उसका बाप बादशाह, उसका दादा बादशाह, उसके चार भाई बादशाह, और फिर बाद में उसका शोहर उमर बिन अब्दुल अजीज वो भी खलीफा बनते। तो इस तरह आप गौर कीजिए कि वो 7 तरह से शहजादी थी। फातिमा बिनत अब्दुल मलिक, उसका बाप उसको हीरों में और सोने में तोलता था, ये उमर बिन अब्दुल अजीज की आलिया है। और उमर बिन अब्दुल अजीज भी शहजादे हैं, जो एक मरतबा लिबास पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते। मुश्क और अंबर इस्तेमाल किया करते थे, और जिस गली से गुजरते थे लोग समझ जाते थे आज उमर बिन अब्दुल अजीज यहां से गुजरे। मुअत्तर रहते थे और हर तरह से आसूदा और हर तरह से खुश शक्ल भी थे, आलिम भी थे, फकीह भी थे, शहजादे भी थे। अब जब मदीनतुल मुनव्वरा की गवर्नरी की जिम्मेदारी आई तो फुकहाए मदीना को बुला करके कहा कि तुम अगर कहीं देखो कि जुल्म हो रहा है, किसी पे ज्यादती हो रही है, तो तुम्हारे ऊपर लाजम है कि मुझे इत्तला दो। और जब तक आपका दौरे गवर्नरी मदीनतुल मुनव्वरा में कायम रहा, अदल व इंसाफ फैल गया। अब उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि उमवी खानदान के चश्मो चराग थे, लेकिन उनका मिजाज सबसे हटके था, अनोखा और निराला था। सुलेमान ने सारी जिंदगी तख्त व ताज की बसर करने के बाद सोचा कि मैं इनको अपना नायब बनाऊं। तो खैर, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग दिमश्क की जामे मस्जिद में जमा हुए और वसीयतनामा पढ़ा गया। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हुए, फरमाए लोगों, ना तो मेरी मंशा थी कि मुझे खलीफा बनाया जाए और ना मुझे इस बात का इल्म था, ये मेरी मंशा और आप लोगों की मुशावरत के बगैर किया गया, मैं इससे दस्तबरदार होता हूं, आप जिसको चाहें अपना खलीफा मुकर्रर कर लें। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ही हमारे अमीर हैं, आप ही हमारे खलीफा हैं। तो आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह की अतात करता रहूं तब तक तुम्हारा खलीफा रहूंगा। और फिर आपने हुक्मनामा जारी किया कि मेरी जितनी जायदाद है सारी बैतुल माल में जमा करवाई जाए, और जितने भी उमवी शहजादे थे उनकी जायदादें जो लोगों के जब्त की हुई थी सबको भक्के सरकार जब्त करने का हुक्मनामा जारी किया। मस्जिद से बाहर निकले तो आपके लिए शाही सवारी लाएगी, फरमाया मेरा खच्चर काफी है मेरे लिए। घर पहुंचे तो अपनी बीवी फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से कहा, जो बादशाह की बेटी है, बादशाह की पोती है और 4 बादशाहों की बहन है, नाजो नाम में पली हुई है, कहा अगर मेरे साथ तुम रहना चाहो तो तुम्हें अपने सारे जेवरात जरो जवाहर सारा माल बैतुल माल में जमा करवाना होगा और फकीराना जिंदगी बसर करना होगी, और अगर तुम इस पे तैयार नहीं हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत होगी, तुम्हें तलाक होगी। अब उस पाकबाज खातून ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं फकीरी की जिंदगी को तरजीह देती हूं। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 2 साल 5 माह और कुछ दिन हुकूमत की, और 3 बर्रे आजमों पर सल्तनत इस्लामिया फैली हुई थी, और आप रोते थे कि उन लोगों का हक भी मेरे ऊपर बिला मुतालबा है जो दुनिया के किसी भी खित्ते के ऊपर इस सल्तनत की हुदूद में बसते हैं। और आपने अपने बेटों को, अपनी औलाद को उसी कसम पुरसी की हालत के अंदर जिंदगी गुजारने की तरगीब दी। ईद का मौका आया तो
तो बेटों के कपड़े फटे पुराने, तो आपने ईदगाह में जब लोग एक दूसरे को मिल रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन के बेटों के कपड़े खस्ता थे, पुराने थे, पैवंद लगे हुए थे, तो आपने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें शर्म तो आ रही होगी कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो के तुम्हें ढंग का लिबास भी दस्तयाब नहीं है। तो आपका एक बेटा अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज, अब्दुल मलिक बिन उमर बिन अब्दुल अजीज, जो आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गया था, उसने कहा हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की है, हमारा बाप दयानतदार है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें उमर सानी भी कहते हैं, छठा खलीफा राशिद भी कहा जाता है, वो जब घर आते हैं तो आपकी बेटियां आपको ईद मुबारक कहती हैं, आपसे मिलती हैं, लेकिन मुंह पे कपड़ा धरा हुआ है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन अब्दुल अजीज बोलते हैं कि बेटी आपने चेहरे के ऊपर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? तो वो कहती है हमने कच्चे प्याज से आज खाना खाया है, तो इसलिए हमने कपड़ा रखा है कि आप उसकी स्मेल महसूस न करें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रो पड़ते हैं और फरमाते हैं कि किस बाप का जी नहीं चाहता कि मेरी औलाद आसूदा हो, लेकिन मैं आखिरत से डरता। आपने आखिरी लम्हे अपनी औलाद को बुला के कहा कि मेरे सामने दो रास्ते थे, एक ये कि मैं तुम्हारे लिए मालो दौलत फरावानी पैदा करता और तुम एक अच्छी खुशबाश जिंदगी गुजारते और मैं जहन्नम में चला जाता, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं जन्नत का रास्ता इख्तियार करता और तुम तंग दस्ती की जिंदगी बसर करते। मैंने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया। बेटों ने कहा कि हमें कबूल है। आपने जब छोड़ा इस दुनिया को तो अपने बेटों के लिए एक दिरहम भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया से गए, एक दिरहम भी नहीं छोड़ा। जब आपको जहर दिया गया तो गुलाम को पकड़ लिया गया जिसने जहर दिया गया, और उसको 1000 अशरफी दी गई इस काम, तो उससे जब्त की और वो अशरफियां भी बैतुल माल में जमा करवा दी, और एक ईसाई की जगह थी जो तदफीन के लिए खरीदी गई तो उसको पैसे अदा करने चाहे, तो उसने कहा कि मैं एजाज समझता हूं कि मेरी जगह में आपकी तदफीन हो तो मैं पैसे नहीं लेता। तो फरमाया नहीं, मुझे ये देने होंगे। आखिरी लम्हे उसको पैसे भी आपने अता किए, और बिल्कुल जब आप इस दुनिया से गए तो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और हश्याम बिन अब्दुल मलिक जो आपके बाद तख्त खिलाफत पर बैठा और 20 साल तक उसने बहुत ज्यादा पैसे जोड़े, एक दिन औलाद ने कहा कि आप हमारे खराजात में फरावानी नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही जोड़ रहा हूं। और जब वो फौत हुआ तो उसके हर बेटे को 10-10 लाख दिरहम मिले, इतनी खतीर रकम मिली। लेकिन तारीख बताती है कि बाद में वो बच्चे दिमश्क की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास खड़े होकर भीख मांगा करते थे। हश्याम बिन अब्दुल मलिक के बेटे, वक्त के शहनशाह के फर्जंद, और उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्होंने अपने बेटों के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी थी, वो एक मजलस में 100-100 ऊंट राह खुदा में खैरात किया करते। तो अपनी औलाद को अच्छाई दे के जाओ, तकवा दे के जाओ, दयानत दे के जाओ, खैर दे के जाओ, बरकत दे के जाओ, नूर दे के जाओ। मकरो फरेब से, दजलो तलबीस से, धोखा दही से, लूट मार से जमा किया हुआ पैसा औलाद को आप दे देंगे, लेकिन औलाद आप भी जहन्नम में जलेंगे और औलाद भी जलील और रुसवा होगी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बताया कि किस तरह अपने घर वालों को संभाला जाता है। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आता है तो नया लिबास पहनने के लिए भी दस्तयाब आपके पास कुछ नहीं होता है, तो बीवी कहती है कि आज ईद का दिन है तो कुछ आप एडवांस तनख्वाह ही ले लें जिससे हम कम से कम अपनी जरूरियात को तो पूरा कर लें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा यह बात तुमने ठीक कही। तो आप जाते हैं नाजम मालियात के पास और उसको कहते हैं कि 1 महीने की तनख्वाह अगर मुझे एडवांस दे दें तो ईद का दिन है, मैं अपनी जरूरियात को पूरा कर लूं। अब वो वजीर खजाना क्या बोलता है? अमीरुल मोमिनीन कह रहा है तो वो कहता है जनाब हाजिर है सब कुछ, लेकिन वो भी तरबियत याफ्ता उमर बिन अब्दुल अजीज का था। उसने कहा आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे?
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہیں سے واپس پلٹ آتے ہیں, کہا تیری مہربانی تو نے مجھے صحیح بات بتائی. یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے. سمرقند فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ خط لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب جو فاتح ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے بغیر شہر پہ دھاوا بول دیا, ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کیے, کوئی بات نہیں کی, تو یہ اچانک حملہ اسلامی تعلیمات کے کیا منافی نہیں ہے؟ مسلمان تو موقع دیتے ہیں, یا جزیہ دو, فدیہ دو, جزیہ دو, یا پھر اسلام قبول کرو یا پھر ہم حملہ کریں گے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خط لکھتے ہیں امیر شہر کو کہ قاضی مقرر کیا جائے اور وہ ان کی بات سنیں, ذمیوں کی گفتگو کو اور ان کے مقدمے کو سماعت کریں. عدالت لگتی ہے, امیر شہر بھی آتا ہے اور ذمی بھی جمع ہوتے ہیں. قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ فوجیں واپس شہر سے باہر جائیں, شہر کو چھوڑ دیا جائے گا, پھر وہاں جا کر کے آپ ان کو مذاکرات کے لیے بلائیں گے. مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اختیار ہوگا حملہ کرنے کا, پھر یہ جیتیں یا آپ جیتیں یہ فیصلہ بات کا ہے. ان ذمیوں نے, ان کفار نے کہا کہ ہم آپ کی سلطنت کو قبول کرتے ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے, ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے. اور اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکات کے پیسے لے کے نکلتے ہیں, کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکات کا کیا کریں, فرمایا غریبوں کو دے. کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں. تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ شادیاں کروا دیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں. تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا. تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں. کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں. یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور. یہ خلیفہ ششم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد فرخ فال ہے, عہد ہمایوں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا آخری وقت آتا ہے تو ہشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ آپ کا حال پوچھنے آ رہے ہیں اور آپ نے جو قمیص پہنی ہے وہ میلی ہے. تو اپنی بہن فاطمہ سے ہشام بولتا ہے کہ یہ قمیص تبدیل کر دی جائے. بہن خاموش رہتی ہے. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, تو پھر بہن نے کہا کہ بھائی تم بار بار کہے جا رہے ہو, کوئی دوسری قمیص ہو تو پہناؤ. یہ تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ. آج تو ایک شہر کا ناظم, ایک شہر کا ڈی سی, ایک شہر کا حکمران, ایک گاؤں کا چودھری مان نہیں ہے, لیکن یہ تین بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی ہے کہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوسری قمیص دستیاب نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو میں جنازے میں شامل ہوا. جنازے سے فارغ ہو کے میں جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک پادری ہے, تو اس سے جب بات ہوئی تو وہ رو پڑا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پادری ہو کے رو رہے ہیں, جو انتقال کرنے والے ہیں وہ تو امیر المومنین تھے, مسلمانوں کے امیر تھے. اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین انتقال کر گئے, میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نور تھا آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا, وہ بجھ گیا ہے. رجا بن حیوا کہتے ہیں, یہ وزیر اعظم تھے, کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ میں ان کی لحد میں اترا, اور جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دوں تو کہا ان کا رخ پہلے ہی قبلے کی طرف ہوا. کہتے ہیں واللہ آج تک میں نے اتنا روشن چہرہ کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں جیسا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ.
अदल फैला, नूर फैला, रोशनी फैली। अल्लाह उनकी रहमत पे, उनकी मरकद नूर पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे खिलाफत बहुत तवील नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको, सिर्फ 2 साल 5 माह और चंद दिन आपने सल्तनत। और इतने दाना, इतने बीना, इतने समझदार और इतने इस कदर जिंदगी शहजादगी की जिंदगी से एकदम अपने आप को एक छोटे से कुटिया के अंदर महदूद कर लिया। औलाद जो है वो उनके लिए भी कुछ नहीं, बीवी भी, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बीवी कहती है कि आप कुछ थोड़ा सा उधार ले लें, मैं मजदूरी करके जो है वो उसको उतार लूंगी। अल्लाह अकबर। 7 बादशाहों की बहन होके, 7 बादशाहों की शहजादी होके वो उमर बिन अब्दुल अजीज के घर के अंदर जो है वो ये पुकार कर रही है। ये उनका दौरे खिलाफत था, उनका अंदाज़े ज़िंदगी था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नामवर खलीफा है और उनको उनके अदल, उनके इंसाफ, उनकी सादगी और उनकी जिंदगी के इस खूबसूरत तर्स की वजह से उमर सानी कहा जाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से उनका चूंकि ताल्लुक भी था, उनकी वालिदा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी और ये असर भी था, नसब के असरात भी थे और फिर आपने तरबियत भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान के अंदर पाई। और आज उनका मिजाज बनू उमैया से मुख्तलिफ नजर आता है और अदल इंसाफ को भर दिया और जमाना उन्हें उम्र सानी के नाम से याद कर। मस्जिद से बाहर निकले तो आपके लिए शाही सवारी लाएगी, फरमाया मेरा खच्चर काफी है मेरे लिए। घर पहुंचे तो अपनी बीवी फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से कहा, जो बादशाह की बेटी है, बादशाह की पोती है और 4 बादशाहों की बहन है, नाजो नाम में पली हुई है, कहा अगर मेरे साथ तुम रहना चाहो तो तुम्हें अपने सारे जेवरात, जरो जवाहर, सारा माल बैतुल माल में जमा करवाना होगा और फकीराना जिंदगी बसर करना होगी। अब उस पाकबाज खातून ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं फकीरी की जिंदगी को तरजीह देती हूं। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 2 साल 5 माह और कुछ दिन हुकूमत की और 3 बर्रे आजमों पर सल्तनत इस्लामिया फैली हुई थी और आप रोते थे कि उन लोगों का हक भी मेरे ऊपर बिला मुतालबा है जो दुनिया के किसी भी खित्ते के ऊपर इस सल्तनत की हदूद में बसते हैं। ईद का मौका आया, ईदगाह में जब लोग एक दूसरे को मिल रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन के बेटों के कपड़े खस्ता थे, पुराने थे, पैवंद लगे हुए थे, तो आपने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें शर्म तो आ रही होगी कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो के तुम्हें ढंग का लिबास भी दस्तयाब नहीं है। तो आपका एक बेटा अब्दुल मलिक बिन उमर बिन अब्दुल अजीज जो आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गया था, उसने कहा हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की है, हमारा बाप दयानतदार है। जब घर आते हैं तो आपकी बेटियां आपको ईद मुबारक कहती हैं, आपसे मिलती हैं, लेकिन मुंह पे कपड़ा धरा हुआ है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन अब्दुल अजीज बोलते हैं कि बेटी आपने चेहरे के ऊपर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? तो वो कहती है हमने कच्चे प्याज से आज खाना खाया है तो इसलिए हमने कपड़ा रखा है कि आप उसकी स्मेल महसूस न करें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रो पड़ते हैं और फरमाते हैं कि किस बाप का जी नहीं चाहता कि मेरी औलाद आसूदा हो, लेकिन मैं आखिरत से डरता हूं।